दमार में 14 मात्रा होती है, ध्रुपद में 7 मात्रे का भी ध्रुपद होता है, 12 मात्रे का भी ध्रुपद होता है जिसको चौताल बोला जाता है, 10 मात्रे का हम लोग जैसे वहाँ पे 10 मात्रे में सूल ताल होती है और झपताल ख्याल में गाई जाती है, हमारे यहाँ सादरा होता है और रूपक हमारे यहाँ तेवरा ध्रुपद में तेवरा उगाया जाता है और चौताल में एक ताल उसमें प्रधान रहती है, हमारी चौताल है। अब 3 ताल वहाँ पे प्रधान है, हमारी चौताल ज़्यादा प्रधान है। ज़्यादातर आपको कंपोजिशन जो है चौताल 12 मात्रे की ताल में ही सुनाई पड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि धमार जो है श्री कृष्ण पे ही डेडिकेटेड है, जो उनकी उनकी मतलब होरी का है, होरी के ऊपर ज़्यादातर है और जो भी श्री कृष्ण से जो भी रिलेटेड है उसी पे ही है। लेकिन आजकल मैं सुनता हूँ हमारे पंडित जी बता रहे थे कि भाई कृष्ण जी होली तो वो भी खेलते थे, तो शिव जी के ऊपर भी आप धमार ताल में आप वो कर सकते हैं, उसको कंपोज कर सकते हैं। है अब ये अब इसके अंदर बहुत सारे बंदिशें ऐसी होती है जो ज्ञान देने के लिए, नाद भेद अपरम पार पार होना पाए गुनी गाए गाए थके सब सुर नर मुनि जन देव। समझ आ गई कर टेक्स्ट इतना मुश्किल तो है नहीं। तो ये तो चौताल में है, लेकिन उसे ब्रज में देखो धूम मचाई नटखट कान को लाज ना आई। अब वो धूम जब मचा रहे हैं तो धूम किस तरीके से मच रही है, कोशिश करते हैं धूम मचाने की। ब्रज में देखो पीछे भाग रहे हैं ना कृष्ण जी, तो सबके पीछे
आमद सम की मौत आ रही Brother, me, 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 brother,